देश भर में मौसम सर्द होता जा रहा है। बारिश, बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही हैं। कई पहाड़ी प्रदेशों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सर्दी का सितम बढ़ सा गया है। बिहार के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के लिए 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बादलों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूर्वी भारत के कई हिस्सों में जोरदार बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र ठंडी हवाओं की गिरफ्त में है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। उधर जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। पिछले 7 दिनों से हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें दोगुनी कर दी हैं। कड़ाके की ठंड ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री तक नीचे गिर गया है। यहाँ कई सड़कें बर्फ में बिल्कुल ढक चुकी हैं। भारी बर्फबारी से गाड़ियों की आवाजाही में भी दिक्कत आ रही है। कई इलाकों में तो सड़कें बाधित हैं, जिससे आम जन जीवन पर प्रभाव भी पड़ा है। हालांकि कई इलाकों में सड़कों में बर्फ साफ करने का काम लगातार जारी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। मौसम विभाग ने आने वाले हफ्तों में बारिश, बर्फबारी और बर्फीले तूफान की चेतावनी भी जारी की है। उत्तराखंड में भी तापमान में गिरावट आई है। हालांकि प्रदेश के चौपता समेत कई जगहों पर बर्फबारी रुकी है, तो लोगों ने राहत की सांस भी ली है। वहीं रुद्रप्रयाग में टूरिस्ट पॉइंट पर कई फीट मोटी बर्फ जम गई है। 3 दिन के भीतर लगभग 5 फीट तक बर्फ गिरी है। 4 दिनों से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप है। इलाके में ठंड भी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान -3 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। हिमाचल के डलहौजी में 1.5-2 फीट तक बर्फबारी हुई है। सड़कों में बर्फ पसरी है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए दूसरे राज्यों से पर्यटकों की आवाजाही जारी तो है, लेकिन पर्यटकों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़कों पर बर्फ के चलते गाड़ियां फंस रही हैं। लोगों को घंटों जाम तक हटने का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने मंगलवार को येलो अलर्ट जारी करने के साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में अगले 2 दिनों के लिए गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। IMD के मुताबिक नागपुर सहित पूर्वी विदर्भ के कई जिलों में मंगलवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। अधिकारियों का कहना है कि IMD के नागपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने गुरुवार तक के लिए विदर्भ के नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, गोंदिया, भंडारा और गढ़चिरौली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में ठिठुरन बढ़ गई है। इस बीच तापमान में गिरावट भी जारी है। सर्द हवाओं की वजह से दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 4 दिनों में ही 8 डिग्री से ज्यादा की गिरावट हुई है। वहीं ठंड से कपकपी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में आज से घना कोहरा छाया रहेगा, इसकी वजह से दृश्यता कम होगी। हालांकि दिन में धीरे धीरे मौसम साफ भी हो जाएगा। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 6.5 और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आज यानी बुधवार को अधिकतम तापमान दिल्ली में 19 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन में आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह में कोहरा छाया रहेगा। जबकि गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुरुग्राम में मध्यम कोहरा छाया रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।